जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे और उसको हम शुभ शुक्रवार या पवित्र शुक्रवार जानते हैं। बसों पहले से हम उस पर्व को मनाते आ रहे हैं और अब इस विषय में हम आज विषय में देखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जो थे उन्होंने हमारे पापों के लिए हमारे पापों की क्षमा के लिए अपनी जान को क्रूस पर उस शरीर पर प्रदान कर दिया और आज हम उसी के कारण उस छुटकारे के कारण जो सालवेशन जो हमको मिला है आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम स्मरण करते हैं उनके उस लहू को जो उन्होंने उस शरीर पर हमारे लिए बहाया। इसके पहले भी हम आगे जाए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो मिलता है ऊपर की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत से उस आयतों को आपके सामने रखूंगा। ऊपर की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 33वीं आयत से जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे उन कुकर्मियों को भी एक को दाएं ओर दूसरे को बाएं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट दिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी इकट्ठा करके कहते थे इसने दूसरों को बचाया यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचाने। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका इकट्ठा करके कहते थे यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था यह यहूदियों का राजा है। परमेश्वर वचन पर आशीष दे आइए हम प्रार्थना करें। इस स्तुति धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य प्रभु एक बार फिर हम आपके समीप आते हैं तो बड़ा धन्यवाद करते हैं उस प्रेम उस दया और उस अनुग्रह के लिए प्रभु जिसके कारण आज यहाँ उपस्थित हैं। सचमुच मैं प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जबकि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा ताकि हमारे पापों से उद्धार हो सके। उस देश की लहू को जो आपने उस शरीर पर बहाया है उसको स्मरण करते हैं और स्मरण करते हैं न केवल उसको बल्कि हम अपने उन पापों को जो हमने अपने जीवन में किया जिसके कारण आप शरीर पर चढ़ाए गए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के वचन के लिए सुनिए जबकि जो भी वचन आपकी ओर से हमें मिलता है वो इन सबों तक पहुँचने पाए ताकि हम अपने जीवन में जो कमियाँ जो भी घटी हैं जिसके द्वारा हम इस बात को जानते हैं कि आप शरीर पर चढ़ाए गए उस गलतियों को फिर हम वापस कर दोहराने में पाएँ। विनती प्रार्थना हर एक बात पूरी करूँगी आपकी उपस्थिति को यहाँ पर हम जाते हैं सुनिए आपके बेटे उद्धार करता प्रभु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम जैसा कि हम जानते हैं और जैसा कि हमने अभी वचन के द्वारा सुना है कि आज गुड फ्राइडे और इस दिन जैसा कि हमारा वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर पर हमारे पापों के लिए बलिदान उन्होंने दिया और हम सबको बचाने के लिए जैसा योहन्ना की पुस्तक और तीसरे अध्याय की 16वीं आयत में वचन
अपना इस प्रभाव पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु ने हमारे लिए दुखों को सहा, वो कष्ट और पीड़ाओं को सहा, जिसे आज स्मरण करने के लिए यहाँ आए और हमारे लिए एक ऐसा मार्ग खोला जिसे कोई बंद न कर सके। एक स्वर्ग का द्वार सबों के लिए खोला गया और वो था प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर बलिदान के द्वारा। आज से हजार वर्ष पहले ये सब घटित हुआ, लेकिन जब हम आज भी इन वचनों को बाइबल में पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो प्रभु यीशु मसीह के कष्ट, वो प्रभु यीशु मसीह के दुख और पीड़ाओं को जो हमने जो उस मानव जाति में उनको दिया, उसका हम यदि स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर एकदम कष्ट पीड़ा और भय आ जाता है। हमारा जो अंदर से शहर सीरन पैदा हो जाती है हमारे हृदय में कि कितनी तकलीफ, कितनी दर्द और कितना पीड़ा जो थी उस समय मानव जाति ने, उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को दिया। इन सब बातों से आज वचन हमको मुख्य रूप से दो बातों की ओर इशारा करता है। जैसे कि हमने अभी वचन में पढ़ा 134वीं आयत में कि प्रभु यीशु मसीह में इतने कष्टों को, इतने दुखों को सहने के बाद केवल एक बात कही, हे पिता उन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की यही दीनता, यही महानता जो कि उन्हें उनके द्वारा हमको वो उद्धार प्राप्त हुआ और वे आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है हमारे जीवन के लिए। दूसरी तरफ हम इस बात के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं उन मनुष्यों के लिए जिन्होंने वो दुख, वो पीड़ाएं, वो कष्ट प्रभु यीशु मसीह को दिया, वो लंबे लंबे बड़े बड़े कीले उनके हाथों में ठोंके गए, जो पाप, जो अपराध हमने अपने हाथों से, अपने पैरों से किया, उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में, अपने पैरों में कीलों को पाया। जिस मुंह से हमने बुरी बुरी बातें, बुराइयां की, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष की बातें की, उसके बदले में हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, उनके कानों पर चांटे मारे गए, उनके सर पर कांटों का ताज बनाया गया और वचन हमको बताता है कि उनके शरीर पर थोड़े मारे गए। जैसे कि जब यशाया 53:6 में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते, हमें चंगाई मिलती है, वो कोड़े जिसके अंत में होने पर हड्डी और कांच के टुकड़े होते थे, वो कोड़े जब शरीर पर मारे जाते थे तो ईट लबुलवान हो जाते, उनको हंसी उड़ाने के लिए, उनका उपहास करने के लिए लोगों ने उनके मुंह पर कपड़ा डालकर चांटे मारे और लोग उनसे कह, उनके लिए कहते थे, उनसे कहते थे कि भविष्यवाणी करके बता कि इसने तुझे मारा। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा जो हमको इस बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या मनुष्य अपने जीवन में इतना अधिक क्रूर,
बेहतरीन हो सकता है, इतना टैगोर भी हो सकता है जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इतनी पीड़ा कष्ट दिया। क्या इंसान अपने जीवन में इतना स्वार्थी, इतना महत्वाकांक्षी हो सकता है? इस बात को हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, और वे सारी वस्तुएं जो परमेश्वर ने सृष्टि पर बनाई उन सब पर उनको अधिकार दिया। लेकिन हम मानव जाति की इस स्वार्थ को देखें और दूसरी तरफ हम परमेश्वर मसीह को भी देखें जिन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए कितने अधिक कार्य किए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जीवन दिया, अंधों को ज्योति प्रदान किया, और सबसे प्रमुख बात जो हम जानते हैं कि जो दुष्ट आत्माएं थी वे उसको जानती थी, वो उनको जानती थी प्रभु यीशु मसीह को, और उनको देखकर कहती थी ये निकृष्ट परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन अफसोस होता है उन बातों पर कि हमने, जबकि परमेश्वर ने हमको इतना अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया, लेकिन हमने उनको कभी ना नहीं पहचाना, बल्कि उल्टा हमने उन पर दोष लगाए। ये प्रभु यीशु मसीह का के उस बलिदान के बदले में क्या मिला उनको, हम वचन में पढ़ते हैं। प्रश्न उठता है आज हमारे सामने कि क्या प्रभु यीशु मसीह इतने निर्बल थे, इतने असहाय थे कि वे कुछ नहीं कर सकते थे? वचन हमको समझाता है कि प्रभु यीशु मसीह थे वो एक उद्देश्य को लेकर इस संसार में आए, और उस उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने पिता की उस इच्छा को पूरा करना। यूहन्ना 10:10 में वो कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। इसी प्रकार वचन में हमको लूका 19:10 में लिखा गया है कि मनुष्य का पुत्र जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यूहन्ना 3:17 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, बल्कि इसलिए भेजा ताकि ये सब बचाए जाएंगे उद्धार को प्राप्त करें। जो कोई उस पर विश्वास रखता है वो उस उद्धार को प्राप्त करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह की महानता थी और वीरता थी। एक तरफ उनका वो प्रेम था, वो तरस और वो दया थी जो उन्होंने संपूर्ण मानव जाति के लिए किया, संपूर्ण मनुष्यों के लिए किया, और उसी के द्वारा आज हम उस उद्धार को, उस सालवेशन को ग्रहण करने पाए हैं। इस बात को हम देखते हैं जबकि हम रोमियो पुस्तक और उसके 5:7 में लिखा हुआ है कि रोमियो 5:7 है, वहां पर एक बात लिखी हुई है किसी धर्म जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे, परंतु परमेश्वर हमारा अपने प्रेम की भराई इस रीति से करता है कि जब हम पापी थे कि मसीह हमारे लिए मरा। यह महत्वपूर्ण बात है
और हम इस बात को आज भी कह सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि ये तो संसार के लिए अनोखा है कि कोई व्यक्ति जो है दूसरों के लिए अपनी जान दे पाए। कोई व्यक्ति दूसरे के लिए अपनी जान को देता है, हम तो अपनों के लिए जान तो बहुत दूर की बात है, हम तो अपनों के लिए थोड़ी सी समस्या और परेशानी में भी उनकी मदद करने से घबराते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो उसने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और जैसा कि मैंने यहाँ पर वचन में आप लोगों को बताया, वचन हमको बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो थे एक निश्चित उद्देश्य को लेकर संसार में आए, और उनका उद्देश्य था अपने पिता की इच्छा को पूरा करना, और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने किया। वचन हमको बताता है कि जिन्होंने अन्याय पूर्वक उन पर क्रूस की दंड की आज्ञा को दिया, उन लोगों ने जिन लोगों ने चतुराई पूर्वक प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने की मांग की और उनके बदले में बरअब्बा डाकू को छोड़ने की मांग की, वचन बताता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके मुंह पर थूका, उनके मुंह पर थप्पड़ मारे, उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके वस्त्रों पर चट्टी डालकर बांटी, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। पहली वाणी में ये पिता ने क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमको अपने जीवन में सदैव याद रखना है, एक संदेश है हमारे जीवन के लिए जिसको हम हमेशा याद रखें। अपने शत्रुओं से प्रेम करना जो उसने किया, और उन्होंने जाते जाते हमें ये सिखाया कि हमको कैसे चलना है, उनकी ये दीनता ये महानता हमारे जीवन के लिए एक अमिट छाप है जो हमें सिखाती है कि हम भी अपने जीवन में आगे किस प्रकार बढ़ सकते हैं। हम जब आगे बढ़ते हैं वचन में तो हम ऊपर किस पुस्तक में जाएं तो वहाँ पर पहले दूसरे और तीसरे अध्याय को यदि हम ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर हमको अनेक बातें मिलती है, सृष्टि की रचना और मनुष्य जाति की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है, और वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, और वचन बताता है कि सृष्टि के काल जो पहला मनुष्य था वो आदम और उसकी स्त्री हवा थी। परमेश्वर ने हर प्रकार की जो वस्तुएं उसने बनाई उन पर अधिकार किया, लेकिन परमेश्वर ने आदम हवा से कहा था कि केवल इस वाटिका के मध्य में जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर आदम और हवा ने उस फल को खाया और वे पापी ठहरे, और इस प्रकार पाप इस संसार में इस जगत में आया। ये सांप जो था ये शैतान के रूप में आदम और हवा के बीच में आया। इस बात को हम अपने जीवन में कभी ना भूलें कि शैतान आज भी हमारे जीवन में किसी भी रूप में हमारे बीच में आकर हमें बहकावा करता है। हम उससे सावधान रहने के लिए प्रयास करें, जैसा कि इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है, जबकि गवाहों का ऐसा वादन जो हमें घेरे हुए आओ सब हर एक रोकने वाली वस्तु हर एक उलझाने वाले पाप जिनको हम हटाते हुए उस दौड़ में धीरज से दौड़े जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। यहाँ भी जो वो बात कर रहा है पॉलिस के वो इसी शैतान की बात कर रहा है जो हमको अपने जीवन में उलझा रहे हैं, हमको प्रभु
में जाने से रोक रहे हैं, और वही शैतान है जिसने आदम और हव्वा को यहाँ पर बहकाया, एक लालच दिया और उन्होंने उस फल को खाया और बेबाकी है। इस प्रकार वचन बताता है कि संपूर्ण मानव जाति जो कि आदम और हव्वा के बाद जितनी भी पीढ़ियाँ आई वे सब पापी ठहरी। वचन में एक और बात लिखी है वो ये 3 और इसकी 23 की आयत में कि सब ने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति आज इस बात को दावे के साथ ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि हर एक मनुष्य जो इस संसार में आया है कुछ ना कुछ पाप अवश्य उसके जीवन में हुआ है, चाहे वो छिपे रूप से हो चाहे हमारे समक्ष हो। लेकिन हर मनुष्य जो है आज पापी है और अपराधी है। लेकिन एक वचन जो हमको यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बताया है जिसको हमको बड़े ध्यान से याद रखना है और सुनना है, जबकि हम सब इस बात को जानते हैं कि आज इस संसार में रहते हुए हम सब मनुष्य जो हैं अपने जीविका को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग कार्य में लगे हुए हैं। कोई किसी विभाग में नौकरी करता है, कोई शिक्षा विभाग में है, कोई एजुकेशन में है, कोई पुलिस विभाग में है, कोई इंजीनियरिंग में है, कोई कृषि का कार्य कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। इस प्रकार हम आज इस बात को देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के जीविका के काम कर रहा है, और महत्वपूर्ण बात जो यहाँ सामने है कि इन सब बातों के लिए उसको मजदूरी के रूप में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। इन सब बातों की मजदूरी के रूप में वो पैसा प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ वचन हमको रोमियो 6:23 में कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब हम पाप करते हैं तो उसके लिए हम मजदूरी के रूप में क्या कमाते हैं, मृत्यु को कमाते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वचन कहता है कि जो पाप करता है वो पाप के दासत्व में रहता है, पाप की गुलामी में रहता है। जो हम धन कमाते हैं उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि ये धन जो है क्या हमने मेहनत से कमाया है या पाप के द्वारा कमाया है। क्योंकि याद रखिए कि यदि हम ये धन जो हमने कमाया, जो मजदूरी आज हमने कमाई है वो हमारे पापों के द्वारा है, तो उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु है। जबकि हम इस बात को जानते हैं कि पाप के द्वारा कम समय में अधिक पैसा हम कमा सकते हैं, लेकिन मेहनत के द्वारा हम लंबे समय में कम पैसा कमाते हैं। लेकिन हम किस मार्ग को अपनाते हैं ये चुनाव हमारे हाथ में है, और हम इस बात को देखते हैं अपने जीवन में कि हम कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करते हैं। और वचन इस बात को कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु। ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये मृत्यु का अर्थ जो वचन बताता है कि हमारे प्राणों का शरीर से अलग हो जाना, पृथक हो जाना, हमारी देह से अलग हो जाना नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर से संबंध अलग हो जाना मृत्यु है। वचन स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि जिस दिन हम पाप करते हैं उसी दिन से हमारा संबंध हमारे परमेश्वर पिता से टूट जाता है, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं।
जब हम नरक में चले जाते हैं तो हम परमेश्वर से बिछड़ जाते हैं। जब हम सोलह लूका सोलह की उस धनवान मनुष्य और निर्धन राजा के दृष्टांत को पढ़ते हैं तो वहां पर हम इन बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि धनी मनुष्य जो था वो मरा और वो कहाँ पहुंचाया गया, नरक की आग में। जबकि उसी समय लाजर भी मरा और स्वर्ग दूतों ने उसको उठाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। एक तरफ अनंत जीवन है और दूसरी तरफ है वो अनंत जीवन की वो आग। तो आज हम इस बात का भी चुनाव करना है, जबकि प्रभु ने हमें एक मार्ग दे दिया है, उसने अपने लहू के बलिदान के द्वारा हमें एक मार्ग दिया है। अब सवाल उठता है कि हम किसको चुनें। ये हम सबों के ऊपर है, ये चुनाव हमारे ऊपर है। वचन इस बात को भी बताता है कि जब हम पुराने नियम पर जाते हैं तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा को एक व्यवस्था दिया और उसने उस व्यवस्था के अनुसार हर वर्ष लोग अपने पशु पक्षी भेड़ बकरियां और जो भी था उसको ले जाकर याजक के पास जाते थे और अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे। याजक हर वर्ष उनके पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाता था। लेकिन वचन इस बात को बताता है कि इससे स्थायी रूप से उनके पाप क्षमा नहीं होते थे। ये केवल पापों को ढाका जाता था, इसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों की क्षमा नहीं मिलती। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार इसी पहले होते थे जो निष्पाप जो निष्कलंक हो उसके बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता था, हमें क्षमा प्राप्त हो सकती थी। और वचन बताता है वह उसने अपने लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो कि निष्पाप थे जो निष्कलंक थे उन्होंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया था, वे कुमारी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और उनके लहू के बलिदान के द्वारा हम सबों को छुटकारा मिला है। वचन हमको इस बात के लिए कहता है कि यदि आज आपको अपने जीवन में छुटकारा मिला है, आप यदि इस बात पर विश्वास रखते हैं कि ये छुटकारा जो है हमें प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती की लहू के द्वारा मिला है, तो आज हम अपने जीवन में इस बात को प्रण करें कि फिर से उन गलतियों को जो हमने पीछे छोड़ गए उनको वापस कर दोहराने की प्रयास न करें। वो छल, वो कपट, वो ईर्ष्या, वो द्वेष, वो लड़ाई, वो झगड़े जो हम करते आए हैं, वचन इस बात को स्मरण दिला रहा है इस बलिदान दिवस पर कि हमको उन बातों को आज एक सही समय है जबकि हम उन सारी बातों को छोड़कर एक नए रूप में आगे बढ़ने माएं, फिर उन गलतियों को वापस हम नहीं दोहराएं, क्योंकि ये जो छुटकारा जो तुम्हें मिला है ये प्रभु यीशु मसीह के उस बेशकीमती बलिदान के द्वारा तुम्हें मिला है। पहला पत्रस और उसका एक और 18वां अध्याय को हम पढ़ें तो वहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी हुई है कि तुम्हारा जो निकम्मा आचरण जो तुम्हारे बाप दादों के समय से चला आ रहा उसका छुटकारा तुम्हें तुम्हारे सोने चांदी तुम्हारे जो बाहरी वस्तुएं बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनके द्वारा तुम्हें नहीं मिला,
वंचित नवीश मसीह के लहू के द्वारा उसके बेश कीमती बलिदान के द्वारा तुम्हें मिला है, इसलिए उसकी कीमत को हम पहचाने और फिर पाप को वापस दोहराने का प्रयास न करें। उन गलतियों को वापस हम ना दोहराएं जो हम करते आए। वचन हमको बताता है कि हमारा जो प्राण के लहू पर हमारा जो छुटकारा है अपने पापों से वो लहू के द्वारा है। और वचन हमको ये भी कहता है जो हम जब हम व्यवस्था 17:11 में पढ़ते हैं तो प्राण और लहू के द्वारा हमारा छुटकारा मिला है हमको। जैसे कि व्यवस्था 17:11-17 में वचन हमको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि प्राण जो है जो शरीर का लहू जो है वो प्राण में है। और हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए वेदी पर चढ़ा दिया है ताकि हमें अपने उस पापों से छुटकारा मिल सके। तो आज वचन यही बात हमको बार बार दोहरा रहा है कि यदि तुमको ये छुटकारा जो है जिसकी आपने कोई कीमत अदा नहीं की, ये छुटकारा जो आपको मिला है इसके लिए हमने कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं की, ये हमको मुफ्त में मिला है। या हम इस बात को कह सकते हैं जो वचन प्रमुख रूप से हमको बता रहा है कि सच तो ये है कि इसकी कीमत हम अदा कर ही नहीं सकते थे। ये पाप जिसके लिए हमने छुटकारा पाया है उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके लिए हमारी न सोने न चांदी न हमारी धार्मिक पाठ सब व्यर्थ थे। इसके लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा उस बहुमूल्य बलिदान के द्वारा वचन कहता है कि जब आज आप उससे स्वतंत्र हो गए, आपको वो सालवेशन को छुटकारा मिल चुका है, तो फिर वो व्यक्ति वो अपराध अपने जीवन में दोबारा नहीं दोहराए, प्रयास न करें उस पर वापस जाने की। वचन इस बात को हमको कह रहा है, हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल का हर एक वचन हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बाइबल की हर एक बात हमारे जीवन से संबंधित है। और जो पुराना नियम है हमारा वो नए नियम के छाया के रूप में हमारे साथ में है। जो जो घटनाएं पुराने नियम में घटी हुई वही फिर से दोहराई जा रही है, वो एक इमेज के रूप में हमारे जीवन में आती है, लेकिन उसका जो दृष्टांत के रूप में हमारे सामने है घटनाएं जिनको हमको देखना है और उन बातों को देखें। जबकि व्यवस्था विवरण 15 और उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर ने एक बात इसराइलियों से कहा था, जब उसने परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, तो हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों से एक बात कहा था कि तुम इस बात को कभी ना भूलना कि तुम गुलामी में थे, तुम उस गुलामी से अब स्वतंत्र हो गए, अब वापस उस तरफ मत देखना। साहब इस बात को स्पष्ट कर रहा है परमेश्वर कि वो वापस उस पाप में जीवन में लौटकर फिर मत जाना। वो लुभावनी बातें वो लालच लालच भरा वो जीवन उसको पूरी तरह त्याग देना, क्योंकि आज तुम आजाद हो केवल प्रभु के कारण उस लहू के बलिदान के द्वारा, उन बातों को वापस लौट कर करने जाना। हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, जब परमेश्वर ने लूत और उसके परिवार को सदोम और गमोरा से निकाला तब उन्होंने लूत से भी यही कहा था कि वापस उस तरफ पीछे मुड़कर मत देखना, और लूत की स्त्री ने पीछे मुड़कर देखा और नमक का खंभा बन गए। आज जब यही बात फिर से एक बार पुराने नियम में जैसे कि
वचन कह रहा है इस राही में से, क्योंकि हम वचन को पढ़ते हैं तो आगे हम वचन में पढ़ते हैं तो मूसा से वो लड़ते थे, बड़बड़ाते थे इजराइल और कहते थे कि तूने हमें यहाँ कहाँ मरने के लिए ले आया है, हम तो वहीं वहीं पर रहते, भले ही उस गुलामी के जीवन में रहते मगर वहाँ हम अच्छा खाना खाते थे, मांस मछली कीड़ा ककड़ी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन हम करते थे भले ही गुलामी के जीवन में थे। मगर वो इस बात को भूल जाते हैं उस पाप में जीवन को जो जिससे परमेश्वर ने उनको बचाया। आज भी हमसे वो यही कहता है कि उस पाप में जीवन की तरफ मौसम मत देखो, वो शैतान की ओर से बनाया हुआ है और जबकि आपको ये छुटकारा मिला है तो फिर वापस उस तरफ हम जाने का प्रयास न करें। आज एक महत्वपूर्ण बात जो क्रूस के संबंध में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शरीर पर चढ़ाए गए, लेकिन हमको वचन बताता है इस बात को जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो ऐसा बताया गया है कि ये क्रूस की जो सजा थी, ये शरीर जो थी, इसकी सजा बहुत सालों पहले से प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले से प्रचलित थी। बहुत सारे ऐसे लोग आए, बहुत से अपराधी, बहुत से बड़े बड़े ऐसे खूनी हत्यारे, उनको इस क्रूस की सजा दी गई और वचन बताता है कि वे मर गए, गाड़े गए और उनका नाम निशान संसार से मिट गया, क्योंकि उन्होंने वो पाप, वो अपराध, वो हत्याएं की थी जिनके लिए उनको ये क्रूस की सजा दी गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आज हमारे सामने है, वचन कहना है कि उस समय ये क्रूस जो था एक भय का, एक ऐसा डर का, एक कपकपी शरीर में रहता था, लोग इसको नाम लेने से घबराते थे, लोग उसका नाम लेना पसंद नहीं करते थे, ये भय पीड़ा कष्ट और दुखों का प्रतीक था उस समय, जो लोग उसका नाम लेते थे क्रूस का उनको मरा दिया जाता था। क्रूस एक अभिशाप का प्रतीक था उस समय, लोग उसका नाम लेने से घबराते थे, लोग उसकी तरफ देखने से घबराते थे। लेकिन जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने किसी प्रकार का पाप, किसी प्रकार का अपराध नहीं किया, वे निष्पाप थे, निष्कलंक थे और उन्हें जब क्रूस पर चढ़ाया गया उनके जीवन का अंत हुआ और उनका पुनरुत्थान हुआ, तब ये क्रूस जो था उसके मायने बदल गए, उसका अर्थ बदल गया हमारे लिए। जो क्रूस भय पीड़ा कष्ट का प्रतीक हुआ करता था, वही क्रूस आज हमारे लिए उद्धार था, वही क्रूस हमारे लिए चंगाई था, वही क्रूस हमारे जीवन के लिए नई होप, एक आशा बन गया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज यदि हम अपने जीवन में परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हैं, हमको लगता है कि हमें कहीं शांति नहीं मिलती, हमको ये लगता है कि कोई हमारे जीवन में हमारा साथी नहीं, हम बीमारियों से घिरे हैं, हमको लगता है कि कोई डॉक्टर हमको ठीक नहीं कर सकता, हम नौकरियों से परेशान हैं, हमको नौकरियाँ नहीं मिल रही जिससे परेशान हैं, बहुत निराश हैं अपने जीवन में, तो ये वचन हमको याद दिलाता है कि
निहारे, उस क्रूस की ओर देखें, वो हमें एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ्य, एक नई शांति, एक उद्धार हमारे जीवन के लिए लेकर आएगा। वो क्रूस हमारे लिए चढ़ाई का कारण बन जाएगा। वो क्रूस आज हमारे जीवन के लिए एक नई होप, एक नई आशा को लेकर आया है। जैसा कि पहला पंक्ति और एक अठारह में लिखा हुआ है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूल होता है, लेकिन हम उद्धार पाने जो है विश्वास रखने वालों के लिए क्रूस की सामर्थ्य है। वचन इसको हमको बताता है, ये क्रूस आज हमारे जीवन के लिए एक नई आशा है, एक उद्धार का प्रतीक है। हम घबराए नहीं अपने जीवन से, हम परेशान ना हो, उस क्रूस की ओर निहारे, लेकिन उस देश कीमती लहू को पहचाने कि आज हमको अपने जीवन में क्या करना है। हम उस क्रूस को आज अपने घरों में लटकाते हैं, हम अपने घरों में लटकाते हैं, प्रेम करके रखते हैं, लेकिन हम उस क्रूस की उस पवित्रता को जाने कि ये जो क्रूस है यदि हमने लगाया है तो इसको देख कर सामने वाला कह सके कि सचमुच में ये एक मसीह है। अब उस क्रूस को जब लटकाए तो हमारे जीवन से वो सब बातें प्रकट हो, वो मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में आए, ताकि लोग उसको पहचाने और जाने। इस क्रूस के द्वारा मैं याद करना था वो पुराने नियम का वचन, जबकि परमेश्वर ने निर्गमन में बताया गया है कि जब अंतिम समय में परमेश्वर से इसराइलियों को गुलामी से बाहर निकाल रहा था, तब उसने आज्ञा दिया था कि अपने जो दरवाजे हैं उसकी चौखट पर वजन को पर ऐसा लिखा हुआ वहाँ पर लहू के निशान को बनाना, और जिन जिन के चौखट पर ये लहू का निशान पाया गया वे लोग बचाए गए। और इस प्रकार यदि हम यदि गिनती 24 से नौ को पढ़ें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली मूसा पर कुड़कुड़ाए और परमेश्वर के विरुद्ध सारी बातें की, और वही बात जो मैंने आपको बताया कि तूने हमको कहाँ ले आया है, हम तो वही अच्छे, तब परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ था और जहरीले सांप प्रकट हुए और के लोगों को डसने लगे। तब लोगों ने मूसा के पास जाकर उससे विनती किया कि परमेश्वर से प्रार्थना कर, तब परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि पीतल का सर्प बनाकर ऊपर लटका, जो उसको देखेगा वह बचाया जाएगा। आज हमारा ये क्रूस जो है उसी बात को एक बार फिर याद दिलाता है कि यदि हम उस क्रूस की ओर निहारे तो जरूर हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करेंगे, वो जीवन में वो शांति और आनंद को महसूस करने पाएंगे जो आज हम सब चाहते हैं। एक और अंतिम बात जो मैं आपसे सबों से बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग किसी न किसी भी उद्देश्य को लेकर इस संसार में आए और उन्होंने उस उद्देश्य को पूरा करने का भी प्रयास किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि सब अपने स्वार्थ के लिए आए और स्वार्थ के चलते वो अपने उद्देश्य को पूरा भी नहीं कर पाए और चले गए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आए, उनका केवल एक उद्देश्य था और वो उद्देश्य था उस देश के लहू को बहाना ताकि हमारे पापों से उद्धार हो सके, और उस लक्ष्य को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। और जैसा कि हम जानते हैं
कि योना मुंह की पुण्य ईश्वर उसकी 20वीं आयत में वचन बताता है, छठवीं आयत छठवीं वाणी है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ देखा और फिर क्या कहा, पूरा हुआ। तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में महसूस कर लिया उस क्रूस पर थे और तब उन्होंने ये शब्द कहा पूरा हुआ। आज हम इन बातों को अपने जीवन में उतारे और विशेषकर उन बातों को कभी ना भूलें जो प्रभु ने उस संगीत पर से कहा था। जैसे मैं एक बार उसी बात को दोहराऊंगा, पहली जो आयत बाई है उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दूसरों से कहा कि हे प्रभु मेरे क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। आज वो हम सबों से यही बात कह रहा है कि इन सबों को क्षमा कर क्योंकि हम नहीं जानते क्या करते हैं। हम उन बातों को अपने जीवन में उतारे वापस फिर से लौट कर आ जाए, जैसे वो बुढ़ा पुत्र जिसके विषय में हमने 15 में 11वीं आयत से पढ़ते हैं कि वो पिता से अपनी संपत्ति का भाग लेकर परदेश चला गया, एक पाप में जीवन में चला गया, लेकिन फिर उसने अपने जीवन में पछतावा किया। उसको एहसास हुआ कि उसको वापस अपने पिता के पास लौटना चाहिए और वो वापस आया तो पिता ने उसके गले से लगाकर उससे कहा कि मेरा ये पुत्र जो मर गया था वो फिर जी उठा है, जो हो गया था वो वापस मिल गया है। आज वो हमको देख रहा है अपने दोनों हाथों को फैलाकर और चाहता है कि हम भी उस पुराव पुत्र के समान वापस लौटे। वो चाहता है कि उस क्रूस पर लटका हुआ डाकू जिसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु जब तू स्वर्ग के राज में जाए तो मेरी सुधी रहना, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो आज आप लोगों से इशारा है जैसे जक्कई ने उससे कहा कि आज मैं अपना सब कुछ जो मैंने लिया है दोगुना चौगुना वापस कर देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज वो उनसे दोनों हाथ फैला कर वो हमारी प्रतीक्षा में प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कह रहा है कि देव के द्वार पर खड़ा हुआ कहता हूँ यदि मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं वहाँ उपस्थित होऊंगा और तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। आज समय उस उद्धार की कीमत को हम पहचाने। वर्षों से हम इस पर्व को मनाते आ रहे हैं, वर्षों से बलिदान पर्व को हम मना रहे हैं, लेकिन क्या हमने इस बात के ऊपर कभी सोचा है, इस बात पर कभी विचार किया है कि ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो महत्वपूर्ण है जिसको हम मना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने देश की लहू का बलिदान किया, लेकिन जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कारण है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का और वो है हमारे पाप हमारे अपराध। और स्मरण करने का उद्देश्य भी हमारा यही होना चाहिए कि हम उन बातों का स्मरण करें आज कि जो गलती जो पाप जो हम कर रहे हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह शरीर पर चढ़ाए गए वो गलती को फिर वापस ना दोहराएं, वो पाप फिर वापस ना करें। परमेश्वर वचन